गुजरात किंवा राजस्थान प्रदेश म्हणजे शाकाहारी जेवण, आणि शाकाहारात सुद्धा इतके विविध पदार्थ असतात की थाळी पाहूनच मनाची तृप्ती होते. राजस्थानची प्रसिद्ध दाल बाटी, छिलकेवाली मूंग की दाल, तर भाज्यांमध्ये केर सांगरी असे नाविन्यपूर्ण पदार्थ इथे चाखायला मिळतील. तर भातात सुद्धा विविध प्रकार पाहायला मिळतील, ज्यामध्ये तुपातली खिचडी, जी राजस्थानात आणि गुजरातेतही प्रसिद्ध आहे. फरसाण या प्रकारातही विविधता आहे. मकई की दाल ढोकली, सील का मुठिया असे विशेष फरसाण या थाळीत मिळतील. तर गोड पदार्थांमध्ये लापशी, मुगाच्या डाळीचा शिरा असे विविध पदार्थ आहेत. सात टाइप की स्वीट टेस्ट किया और चार पांच टाइप का सब्जी, सभी आइटम अच्छी थी. इसमें आपको खास करके अच्छा क्या लगा? उसमें एक आइटम है तो सभी आइटम अच्छी है. इस कहाँ से हो, मुंबई से हो या? नहीं, गुजरात से, गुजरात में राजकोट. क्या आप बम्बई से हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं. कितनी बार यहाँ पर आते हो? बहुत बार आए हैं. दिस इज बेस्ट प्लेस ऑफ वेजिटेरियन थाली. अभी ये जो नवरात्रि के लिए थाली बनाई गई है, इसमें आपको क्या खास नजर आया? बहुत सी वैरायटी है जो हर समय नहीं मिलती है. जैसे स्वीट्स है, अदर प्रिपरेशंस है, वेल जीनियन ऑल दिस. अभी ये जो नवरात्रि स्पेशल थाली परोसी गई थी, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? बहुत वैरायटी है, तो स्वीट भी इतना रखा है, मज़ा खाना है. इसमें शॉर्ट में हूँ, अभी मेरा डाइटिंग चल रहा है, लेकिन आज लिमिट टूट गई. अपना जो रेगुलर शेड्यूल में डाइटिंग में जो कंट्रोल रखने का था, वो कंट्रोल टूट गया. आज सच में मज़ा आया. अच्छा, आप बम्बई से है या बम्बई के? नहीं, बाहर से, गुजरात से. अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको थाली यहाँ पर बम्बई में आकर आपको कुछ गाँव का खाने को मिलता है, ऐसे कुछ? हाँ, अच्छा, घर जैसा लगता है. एरवी ही हे हॉटेल गुजराती थाळीसाठी प्रसिद्ध आहे, पण नवरात्रीच्या दिवसात खास देस की म्हणजे गावाकडची आठवण करून देण्यासाठी या उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. नवरात्रच नव्हे तर दिवाळीतही अक्षय पात्रासारखी भरलेली ही थाळी तुमच्यासाठी बनवली जाते. आणि नवरात्र आणि दिवाळीसारख्या मोठ्या सणांपुरताच हा महोत्सव न ठेवता इतर सणांना काहीतरी वैविध्यपूर्ण देण्याची प्रथा सुरूच ठेवण्याचा गोल्डन स्टारचा मानस आहे.